मनुष्य का जीवन कई मान्यताओं पर आधारित है। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, पर हम जाने अनजाने में कई ऐसी बातों को मानते हैं जिनके बारे में विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कई मान्यताएं हमारे धर्म से जुड़ी हैं, कई ऐसी बातों से जिनका सही मतलब हम नहीं जानते। जैसे हम सबने सुना है कि गुरुवार को बाल नहीं कटवाते, पर हम में से काफ़ी लोगों को इसका कारण नहीं पता और इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ मान्यताएं सिर्फ कोरी कल्पना नहीं हैं पर उनके होने का सबूत भी है, तब आप क्या कहेंगे? जब हमारी मान्यताओं या विश्वास मात्र पर आधारित बातों का सबूत मिले, तब हम सब निश्चित ही आश्चर्यचकित होते हैं और हमें यकीन होता है कि हमारा विश्वास सही है। ऐसा ही एक विश्वास है रामायण और भगवान राम का अस्तित्व। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु की और उससे जुड़े हुए सबूतों की, जो बताते हैं कि वाकई में एक पुल बनाया गया होगा जिस पर भारत से लंका जाना संभव हो पाया होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कथा संगम को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। राम सेतु की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। जब राम और उनकी वानर सेना सीता माता की खोज करते हुए भारत के आखिरी छोर धनुषकोडी पहुंची, तब उनके सामने एक विशाल समुद्र आया और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता न था। तब श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना कर उपाय मांगा। तब समुद्र देव ने बताया कि नल और नील नाम के वानरों की सहायता से समुद्र के ऊपर पुल बना सकते हैं। राम का नाम लिखे हुए पत्थर वाकई में समुद्र में नहीं डूबे और वहां वानर सेना की मदद से लंका तक जाने के लिए पुल तैयार किया गया। उसी के ऊपर से राम सेना लंका तक गई और रावण को हराकर विजय प्राप्त की। हमें इन सब घटनाओं का वर्णन तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण से मिलता है। अब ये तो थी हमारी मान्यता। अब हम बात करते हैं ऐसे सबूतों की जो हमारी इस मान्यता को सच साबित करते हैं। इस पुल को हम राम सेतु, सेतु बंद या अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज नाम से भी जानते हैं। ये पुल आज भी तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोडी के पास स्थित है। ये पुल वैसे तो पानी के नीचे चला गया है, पर इसके जो अवशेष बचे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि कोई पत्थर की श्रृंखला यहाँ थी, जो कि भारत के धनुषकोडी के पास स्थित पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच बनाई गई थी। राम सेतु प्राकृतिक है या किसी के द्वारा बनाया गया है, इस बात पर हमारे देश में कई बार बहस हो चुकी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य और ऐसी रिसर्च के बारे में जो कि इस सच्चाई को जानने के लिए की गई थी। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि भारी होने पर भी पानी में नहीं डूबते। ऐसे पत्थरों का रामेश्वरम के पास मिलना कोई संयोग नहीं है। इन पत्थरों की यहाँ पूजा भी की जाती है। यूएस की एक एजेंसी नासा ने एक खोज लगा के पता करने की कोशिश की ये पुल अब पानी के कितना नीचे है। तब पाया गया कि ये पुल पानी के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, जैसा कि सैटेलाइट इमेजेस से लगता है। ये पुल समुद्र से लगभग 3 से 50 फीट तक ही नीचे डूबा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले ये पुल ज़मीन के ऊपर रहा होगा और इस पर वाकई चलना संभव होगा। कई मंदिरों के रिकॉर्ड्स में पता चला कि राम सेतु 15वीं सदी तक पानी के ऊपर था और एक भयंकर तूफान आने के बाद पानी में डूब गया। ये बात नासा की खोज से भी मेल खाती है। हाल ही साइंस चैनल की एक स्टडी में बताया गया कि वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग तकनीक से पता लगाने की कोशिश की कि पुल पर मिले पत्थर और पत्थरों के नीचे की रेत कितनी पुरानी है। तब इस पुल के प्राकृतिक ना होने का प्रमाण मिला। पता चला कि पुल के जो पत्थर हैं वह लगभग 7000 साल पुराने हैं, और जबकि उनके नीचे की मिट्टी या रेत लगभग 5000 साल। इस बात से यह पता चल गया कि कहीं और से ये पत्थर लाकर वहाँ डाले गए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें रामायण में
राम सेतु बनाने के बारे में पता चलता है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पुल लगभग 7000 साल पुराना है और यही हमें रामायण के बारे में सुनने को भी मिलता है। माना जाता है कि रामायण भी लगभग 7000 साल पहले हुई थी। यह कोई संयोग नहीं है। इन सब सबूतों से हमें पता चलता है कि राम सेतु कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा निर्मित एक पुल है। दोस्तों, आज के भाग में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्द मिलते हैं अगली कहानी में। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।